टाबू है जिसका नाम है कोना तो उसमें उन्होंने एक कंपटीशन रखा और ये बोला गया कि साइकिलिंग स्विमिंग और रनिंग को कंबाइन करते हैं और इसका जो डिस्टेंस है आयरन मैन डिस्टेंस अब मैं ये बात को यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ कि जो इसमें स्विमिंग होती है वो 3.8 किलोमीटर होती है लगभग लगभग चार, लग चार किलोमीटर एक शॉट एक शॉट में और ओपन वाटर में होती है आपको समुद्र में या नदी में या तालाब में तैरना होता है फिर उसके बाद आपको एक किलोमीटर की साइकिल चलानी पड़ती है और एक सौ अस्सी किलोमीटर सागर से बात पहुंच जाए बिल्कुल और 180 किलोमीटर के बाद में आपको 42.2 किलोमीटर की मैराथन भागनी होती है ये तीनों एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करना होता है मैं ये तो नहीं बोलूंगा रिशियल ट्रीटमेंट होता है बट लोग ताजुब करते हैं अच्छा इंडिया से हो कम्पीट करोगे और ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ मुझे मजाक उजाक बोलेगा वेलकम मैडम इंडिया से आए हो यहाँ पे स्वीडन गया तो लोगों ने पूछा अरे इंडिया के लोग तो इतने गोरे होते नहीं आप कैसे हो रिसेंटली लिस्टिंग टू कार्तिक आर्य जी <laughs> <laughs> मैंने भी सुना कि बहुत सारे उसमें स्पोर्ट्स डे थी हाँ <laughs> <laughs> हाँ <laughs> <पोस्थ laughs> करने के लिए अबाउट वन एंड हाफ ईयर हाँ उन्होंने सारा डाइट चावल छोड़ दिया <laughs> जी जी रोटी छोड़ दी जी शक्कर छोड़ दी हाँ लॉट ऑफ थिंग्स टू हाँ करेक्ट तो

मतलब प्लस में सब सभी एक ही कंपनी बना रही है अलग अलग ब्रांड्स पे तो लोगों को समझ जरूरत है कि मतलब पैशन तो फॉलो करो जी हाँ पढ़ो हेलो दोस्तों आज का शो ना मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं फोर्टी प्लस हो और मैं बिलीव करता हूँ अपने पैशन को फॉलो करो आप लोग भी शायद अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो बट हर कोई अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाता कुछ ऐसा होता है कि हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में इतना बिजी जाते हैं कि हम ना अपने पैशन को भूल जाते हैं अपनी हॉबीज़ को भूल जाते हैं हर एक पैशन ऐसी चीज़ है जो हमें लाइवली रखती है और हमें एनर्जेटिक लगती है रखती है और शायद हमको एक एज के बाद भी ये एहसास दिलाती है कि अमिया आज हमारे बीच हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त तन में जो ये दो दो बार आयरन मैन जीत के आए उन्हें तो हम इससे जरा डिटेल में बात करेंगे

और इनके अलग अलग डिस्टेंसेज होते हैं जैसे कि स्प्रिंट होता है जिसमें आठ मीटर तैरो और आ, कुछ आ, दस किलोमीटर बीस किलोमीटर साइकिल चलाओ उसके बाद पाँच किलोमीटर दौड़ो ऐसे करके एक स्प्रिंट डिस्टेंस होता है एक ओलंपिक डिस्टेंस होता है और एक होता है आयरन मैन डिस्टेंस अब ये आयरन मैन डिस्टेंस की भी ना कहानी बड़ी मज़ेदार है कि आ, करीब उन्नीस सौ पचहत्तर सतहत्तर के आसपास एक ऐसा डिस्कशन हुआ एथलीट्स के बीच में और मोस्टली यू एस और सील्स के लोग थे उन्होंने बोला कि सबसे टफेस्ट स्पोर्ट कौन सा है और सबसे टफेस्ट इंड्यूरेंस एथलीट कौन सा है क्या वो स्विमर है क्या वो साइकिलिस्ट है क्या वो रनर है तो हवाई में कोना में एक हवाई जो uh, जगह है वहाँ एक छोटा सा uh, टापू है जिसका नाम है कोना तो उसमें उन्होंने एक कंपटीशन रखा और ये बोला गया कि साइकिलिंग स्विमिंग और रनिंग को कंबाइन करते हैं और इसका जो डिस्टेंस है आयरन मैन डिस्टेंस अब मैं ये बात को यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ कि जो इसमें स्विमिंग होती है वो 3.8 किलोमीटर होती है लगभग चार लगभग चार किलोमीटर एक शॉट एक शॉट में और ओपन वाटर में होती है आपको समुद्र में या नदी में या तालाब में तैरना होता है फिर उसके बाद आपको एक किलोमीटर की साइकिल चलानी पड़ती है अच्छा। और किलोमीटर। सागर से तो, <laughs> <laughs> बात कोई ब्रेक नहीं है और कोई ब्रेक नहीं है और इन तीनों का एक कट uh, ऑफ टाइम होता है जैसे स्विमिंग आपको खत्म करनी दो घंटे बीस मिनट में साइकिलिंग आपको खत्म करनी है आठ घंटे के अंदर में और बाकी जो बचे आपके समय आई थिंक पा, पाँच छः या छः घंटे बचे सत्रह घंटे में टोटल आपको करना होता है तो टोटल कट ऑफ टाइम सत्रह घंटे है जिसमें इंडिविजुअल कट ऑफ टाइम है आपका बारह दो घंटे बीस मिनट आठ घंटे और साढ़े पाँच छः घंटे का ये तो ये तीनों काम करने के बाद में आपको लगातार आपको एक्सरसाइज करना जी हां सत्रह घंटे के अंदर आपको ये सब करना है मैंने साढ़े पंद्रह घंटे में किया क्या बात कर रहे तो हो, 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 और सो कमिंग बैक टू दी हिस्ट्री की आयरन मैन क्या है और ये डिस्टेंसेज इतने थ्री पॉइंट एट क्यों आए आप लोग देखने वाले पूछेंगे भाई थ्री पॉइंट एट क्यों चार ही कर लेते साढ़े तीन कर लेते थ्री पॉइंट क्यों तो जो हम मैं अभी बात कर रहा था कि जो कोना जो टापू था उसमें जो वो पूरा सरकम था उसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो थ्री पॉइंट एट किलोमीटर का था अच्छा और टापू में एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए वो एक सौ अस्सी किलोमीटर का था From... और मैराथन तो फिक्स है ही है कि फोर्टी टू पॉइंट टू किलोमीटर होती है हालांकि एक बड़ी मजेदार चीज़ फोर्टी टू पॉइंट टू किलोमीटर पर भी है कि फोर्टी टू क्यों नहीं फोर्टी टू पॉइंट टू क्यों नहीं या फोर्टी क्यों नहीं तो मैराथन का एक थोड़ा सा मैं सवाल से अलग जा रहा हूँ बट आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग फॉर व्यूअर्स कि मैराथन की हिस्ट्री ये है कि एक गांव है रोम में मैराथन और वहाँ पे एक लड़ाई हुई रोमन फौजों के बीच में और मैं नाम बोल रहा हूँ और किसके साथ हुई तो जो एक फ़ौजी था उसको ये सैनिक था उसको ये काम दिया गया कि आप दौड़ के जाओ और जाके राजस्थान अपनी जो राजधानी है उनको खबर करो कि हम ये जीत गए तो 42 किलोमीटर का डिस्टेंस था okay. तो 42 किलोमीटर वो दौड़ते हुए गया और दौड़ने के बाद में वो वहाँ जा उसने खबर दी हम जीत गए और वो मर गया ओके okay. तो वो मैराथन गाँव और वो फोर्टी किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो बड़ा हिस्टोरिकल हो गया और उसके नाम से लोगों ने वो रेस करने लगी कि भाई अगर 42 किलोमीटर आप दौड़ोगे तो ये ये मैराथन की एक कहानी निकल आई अब इस पर पॉइंट टू किलोमीटर का भी बड़ा मजेदार किस्सा है कि जब लंदन ओलंपिक्स हुए तो रानी विक्टोरिया का जो 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 पवीलियन बोलेंगे या जो भी उनका जहाँ वो बनाया गया था तो जो वो रेस ख़त्म हो रही थी फोर्टी किलोमीटर वो थोड़ा सा पीछे थी तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई रेस तो सामने ही ख़त्म होगी हम तो विक्टोरिया हैं तो पॉइंट टू किलोमीटर और बढ़ा दिया गया okay. तो इसीलिए विश्वभर में आज तक फोर्टी टू पॉइंट टू किलोमीटर मैराथन चलती है तो कमिंग बैक टू आयरन मैन आयरन मैन एक ऐसी ट्राइथलॉन है जिसमें आपको साढ़े तीन थ्री पॉइंट एट किलोमीटर तैरो फिर एक सौ अस्सी किलोमीटर साइकिल चलाओ और फिर फोर्टी टू पॉइंट टू किलोमीटर okay. भागो मैंने ये दो बार किया है पहली बार कहाँ किया था पहली बार मैंने किया था कालमार स्वीडन में एक कालमार करके होता है और उसके बाद ये इस बार जो मैं करके आया हूँ अभी इस महीने ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया में क्लैगन करके नहीं आई थी खूबसूरत शहर है वहाँ पर ये मैंने इसको खत्म किया इसमें मतलब आप अकेले मैं फिनिशर हूँ ओके okay. जैसे और विनर जो होते हैं वो टॉप टेन लोग होते हैं वो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं टाइम में हाँ उन्होंने जैसे आ, उनकी उनकी वो प्रोफेशनल एथलीट है वो टॉप टेन या टॉप फिफ्टीन जो भी होते हैं जो विनर था उसने कुछ साढ़े सात घंटे में किया साढ़े सात घंटे जी हाँ तो वो प्रोफेशनल एथलीट्स है उनका काम ही है ट्रेथलॉन खेलना वो एक टूर्नामेंट से दूसरे टूर्नामेंट विनिंग यू नो दे लिव देयर लाइफ हमारे आपके जैसा इंसान नौकरी भी कर रहा है बीवी बच्चे भी हैं फिनिश बहुत बात मतलब मैं तो जिम जाता हूँ जी हाँ सो तो ये हम फिनिशर हैं और आ, मैं उस एज ग्रुप में इकलौता हिंदुस्तानी था मध्य प्रदेश से पहला व्यक्ति हूँ ये पहला से पहला बिल्कुल सतना जबलपुर इन सारे शहरों में तो इंडिया नहीं नहीं इंडिया में बहुत सारे लोग हैं हमारे कोच हैं अभिषेक मिश्रा जी उन्होंने उन्होंने शायद चार या पाँच बार आयरन मैन किया है एक अल्ट्रा मैन करके होता है वो किया है सो so, इंडिया में तो बहुत लोग हैं फिर भी जब हम कहते हैं बहुत तो मुठ्ठी में भर गिनने वाले लोग होंगे शायद सौ डेढ़ सौ ओके आई डोंट थिंक सो मोर देन दैट जिन लोगों ने फिनिश किया है या कुछ किया है सो ट्राइथलॉन एज अ स्पोर्ट इंडिया में क्रिकेट के दर्जे में या वैसे ही बड़ा काम है कामें बताया इंडिया में एक देखो ट्रायथलॉन तो बहुत होती है इंडिया में भी एक ट्रायथलॉन वो है और ट्रायथलॉन सोसाइटी ऑफ इंडिया या ऐसा ट्राइथलॉनिक ग्रुप है सरकारी लेकिन इंडिया में आयरन मैन का एक रेस होता है जिसको हम कहते हैं आयरन मैन सेवेंटी उसमें ये सारे डिस्टेंसेज हाफ होते हैं वो गोवा में होता है सितंबर में अक्टूबर के महीने में होता है वो और उसमें इन सारे डिस्टेंसेज का आधा होता है वन किलोमीटर भागो तैरो 90 किलोमीटर साइकिल चलाओ और 21 किलोमीटर भागो तो ये वाला मैंने किया दा आपने 15 ये वाला मैंने जिसको हम आम, आम भाषा में फुल आयरन मैन कहते हैं या जिसको जिसको करने के बाद आयरन मैन दिया जाता है अब जैसे मैराथन में भी बोलते हैं हाफ मैराथन होती है फुल मैराथन होती है जो दिल्ली में वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन होती है जो पहले एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन होती थी वो हाफ मैराथन है वो ट्वेंटी सेवन किलोमीटर फोर्टी टू पॉइंट टू को आधा कर देंगे तो ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो सेवन तो आ, उसी तरह ये आयरन मैन सेवेंटी पॉइंट थ्री होता है सेवेंटी पॉइंट थ्री मतलब है सेवेंटी पॉइंट थ्री माइल्स oh तो थोड़ा तो ज़्यादा किलोमीटर में वो ज़्यादा हो जाता है अब जो, जो फुल आयरन मैन ये होता है सो सेवेंटी पॉइंट थ्री उन्होंने कैटेगरी क्रिएट किया कि भाई फुल का इंडोरेंस आपके पास नहीं है तो जैसे मैंने भी एज ए स्टेपिंग स्टोन सेवेंटी पॉइंट थ्री ऑस्ट्रेलिया में किया था दो हज़ार उन्नीस में उसमें वो मैंने आई थिंक साढ़े छः पौने सात घंटे में किया था तो वो एक एक लेवल था मैं जो करता था फुल मैराथन और ये सब उसके लिए उसके बाद मेरे को हाफ आयरन मैन करना एक बड़ी चीज़ थी उसके बाद फिर फुल तो जो आपने पहला आयरन मैन किया था स्वीडन में जी वो हाँ वो कितने टाइम में का था? जी वो मैंने कम्प्लीट किया था अगेन साढ़े पांच पंद्रह घंटे में अच्छा हाँ और तब प्रैक्टिस प्रैक्टिस हमने उसको बिल्कुल बरकरार रखी है जी तो मतलब मेंटली तो जो आपको बताओ था मैं दौड़ने चला जाऊँगा तो मेरे साथ पाँच बहुत बस हो गया हाँ हाँ तो मेंटली तो चेंज चाहिए, चाहिए और फिजिकली तो ऑब्वियसली मतलब तो पंद्रह घंटे एक तरह तो एक्सरसाइज हो गई जो करना है हाउ यू प्रिपेयर फॉर दिस देखिए ये आस्किंग दिस हाँ to. जी आप शायद जॉब में भी हैं हाँ ठीक है आप राइटिंग भी करते हैं बिल्कुल आप वॉर इवेंट्स में भी रहते हैं और उसके अलावा ये भी करना है। जी हाँ दैट हाँ ये आप प्रिपरेशन किया टू मेक मेंटली एंड फिजिकली फिट हाँ सो so ये देखिए ये एक दिन की बात नहीं है ये आ, इसके लिए अगर मैं आपको बताऊँगा शायद मैं पिछले सात आठ सालों से प्रिपरेशन कर रहा था और जो भी इंड्योरेंस स्पोर्ट होता है चाहे वह रनिंग हो 21 किलोमीटर की या फुल मैराथन हो या साइकिलिंग हो लंबी इट इज़ ऑल माइंड ओवर मैटर हमारे इंसानी शरीर में इतनी क्षमता होती है जो कि हम अमूमन तौर पे हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं हमारी मेंटल क्षमता बहुत होती है हमारी फ़िज़िकल क्षमता बहुत होती है और जिस तरह से सोसाइटी में हमें एक बांधा जाता है कि नहीं अब आप चालीस के हो गए हैं अब आप मत करिए यू आर एजिंग यू नो और इसकी क्या ज़रूरत है नौकरी करो इतना ज़्यादा खेल कूद की क्या आवश्यकता है तो हमें कहीं ना कहीं एक जिसको हम कहते हैं लिमिट सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स के तहत एक आम इंसान को बांध दिया जाता है मैं हिंदुस्तानी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ तो उसको ब्रेक करना तो ये एक लंबा सिलसिला था आठ साल का मेरे लिए जहाँ पे मैंने आई स्टिल रिम्बर मैंने एक हमारे फूफा जी हैं वो भी स्पोर्ट्स में खेलते हैं मैंने उनसे पहली बार आज से दस साल पहले कहा था कि फूफा जी बड़े आश्चर्य खुश होकर बताया था कि फूफा जी मैंने आपको पता है मैंने दस मिनट तक कंटिन्यूसली दौड़ लिया तो उन्होंने मुझे एक लुक दिया तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा लुक क्यों दे रहे क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि आज से दस साल पहले कि मैंने दस किलो दस मिनट अगर कंटिन्यूसली दौड़ लिया तो तो मैं ये कहूँगा कि मेरी शायद जर्नी वहाँ से शुरू हुई बिकॉज एक, एक 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 स्टेप लेना पड़ता है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कि जहाँ आप पंद्रह घंटे तक आपका शरीर टूट चुका है आपको आपका जो कोर है आपका जो सिस्टम है लिवर वो सब यू नो दे आर दे आर सेंग इट्स बंद कर दो ये क्या कर रहे हो तुम शरीर को बट वहाँ आपको माइंड ओवर मैटर की बात आ, करनी पड़ती कि आपका माइंड इतना स्ट्रॉग हो, होना चाहिए कि वो आपको पंद्रह घंटे खींच के ले जाए आप उस तरह से फिजिकल ट्रेनिंग करते हो आपकी हार्ट रेट उस तरह से आपको मेंटेन करना होता है तो ये बहुत लंबा सिलसिला होता है ये करीब मेरा मानना है कि भाई एक्टिवली अगर मैं इससे पूछूँ कि अगर मुझसे आप पूछे तो मुझे कम से कम पाँच से छः साल लगे इस इस लेवल को पहुँचने के लिए और पाँच से छः साल लगे मुझे इस लेवल तक पहुंचने के लिए और चाहे वो मेरी पहली हाफ मैराथन हो मैंने आज तक कुछ पच्चीस हाफ मैराथन की हैं पांच फुल मैराथन किए हैं तो ये सारा एक एक स्टेप था उस तरफ जाने के लिए और इसमें जो सबसे की चीज़ होती थी कि कैसे आप अपने आप को जब आपका शरीर टूट चुका है और जब आपको आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो और तब अपने आप को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो आई थिंक दैट इज़ द कैच यही आपको प्रैक्टिस करनी होती है प्रैक्टिस वॉक रनिंग हाँ मेरा देखिए हम लोग जो हमारे कोच हैं अभिषेक मिश्रा जी उन्होंने हमें जो एक प्लान दिया था उस प्लान के तहत मैंने पहले तो कोच हायर किया मैंने ऐसे नहीं कि आपने आज सोचा कि मुझे वो इवेंट करना और आप तैयारी कर दो कोच को एक आपका किसी भी बड़े काम करने के लिए एक मिनट या एक कोच की ज़रूरत है जैसे मैं बुक राइटिंग कोचिंग भी करता हूं तो बुक राइटिंग कोचिंग में लोग सोचते हैं यार किताब ही तो लिखना है इसमें क्या बड़ी बात है बट वहाँ पर भी मैंने कुछ तीस से पैंतीस लोगों को आज तक किताबें लिखवाई है तो कोच का माथ तो बहुत है तो वो कोच सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया और जो मेरे ट्रेनिंग आवर्स होते थे वो हम वीक में कम से कम 12 से 14 घंटे हमने एक्सरसाइज का प्लान बनाया हुआ था दिन के वीक में वीक में 12 से 14 घंटे अब उसको अगर हम ब्रेक करें तो मैं रोज का करीब एक से सवा घंटा एक्सरसाइज करना होता था शनिवार इतवार हम करीब ढाई घंटे से लेके कर चार पाँच घंटे तक एक्सरसाइज करते थे जिसमें चाहे वो रनिंग हो और उन चौदह घंटे में हफ़्ते में अगर मुझे चौदह घंटे या बारह घंटे एक्सरसाइज करनी है तो दो से तीन घंटा स्विमिंग जो कि स्विमिंग के दो सेशन घंटे घंटे भर के फिर रनिंग के तीन सेशन एक घंटा एक घंटा फिर एक दो घंटा और फिर साइकिलिंग के एक घंटा एक घंटा और चार घंटा ऐसे करके उन चौदह घंटों को हम बांध लेते थे, थे और उसमें एक्सरसाइज करना होता था तो वो एक तपस, तपस्या है एक ना मतलब इंडिया में जनरली होता है ना आप बूढ़े हो गए, हो गए। <laughs> एक वो, एक वो तो लग ही जा और जनरली बाइक जो होती है वो आपका चाल जाती हैं भाई कंप्लीट बॉडी चेकअप कराते हैं हाँ फैटी लिवर तो नहीं आ गया फिर जी करा लो कहीं शुगर या डायबिटीज तो नहीं हो गई जी तो ये सब एजमशन से हट के हाँ थिंकिंग अबाउट हाउ टू बी हेल्दी और हाउ टू समथिंग इज़ फिजिकल इन टू इट हाउ बोथ थिंग्स टिफर कैसे आप इसको कैसे आपके साथ होता है जी हाँ देखिए मेरा एक जो ये इंड्योरेंस स्पोर्ट में आने का कहानी है वो ऐसी थी कि मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं खेलता था स्कूल uh, कॉलेज के ज़माने में पढ़ाई का इतना प्रेशर था कि भाई इंजीनियरिंग करिए नौकरी करिए और टाइम वेस्ट है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में तो हमने कभी स्पोर्ट्स को उतना ज़्यादा ध्यान तवज्जो दिया नहीं और अराउंड थर्टी टू थर्टी थ्री के आसपास जिसको हम एक इंग्लिश में वर्ड है जिसको कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस तो समाज के बताए हुए सारे उन पैरामीटर्स कि जिसको आप सक्सेसफुल कहते हो वो हम सारा कर चुके थे कि नौकरी लग गई अच्छी कंपनी में अच्छी तनख्वाह है मकान बना लिया गाड़ी खरीद ली शादी हो गई तो मुझे ये लगा यार अब क्या और जैसा कि अमूमन कॉर्पोरेट दुनिया में होता है हम एक हेल्थ के प्रति ऑब्वियसली यू नो डिसरिगार्ड हो जाता है क्योंकि दैट इज़ एन एज जहाँ पे आप तीस पैंतीस पे आप पहुँच रहे हो और आप यू यू नॉट टेक योर बॉडी फॉर ग्रांटेड आपको क्लीन खाना है आपको ये सब करना है और उस दौरान मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ जब मैं करीब थर्टी फोर का था और जब मैंने उनको हार्ट अटैक में स्ट्रेचर पे ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए स्टंट का उनका स्टंट लगाया गया तो मैंने मुझे एक चीज़ की अनुभूति हुई मैंने कहा यार आई एम नथिंग बट एन रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पर्सन तो ये डायबिटीज़ हैं हिंदुस्तान में अपन डायबिटीज़ कैपिटल बोलते हैं उनको डायबिटीज़ है हमारे जो मामा पक्ष से लोग हैं उन, उनको डायबिटीज़ है। हमारे दादाजी की हार्ट अटैक डायबिटीज़ की वजह से हुई थी नाना जी की वैसी हुई थी तो मुझे तो ये बोल के गया बोला गया था कि भाई तुम घर के बड़े हो और जेनेटिकली तुम्हें तो डायबिटीज़ होएगी होगी हो और जब मैंने पिताजी को देखा कि यार डायबिटीज़ की वजह से इनका हार्ट अटैक हो गया तो मैंने कहा यार आई एम गोइंग टू स्टॉप इट हेयर मैं इसको आगे बढ़ने ही नहीं दूँगा मैं इसको आगे ही नहीं जाने दूंगा और वहाँ जो हम बोलते हैं इच्छा शक्ति इंसान की वहाँ से मैंने फिर अपने शायद ही दोनों चीज़ें साथ में हो रही थी वो मिड लाइफ क्राइसिस भी बोल लीजिए पिताजी के साथ भी ऐसा हुआ और मैंने कहा यार अब मुझे अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को बहुत सीरियसली लेना है क्योंकि यू नो और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ चाहे वो कटिंग डाउन ऑन क्लीन फूड मतलब ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल छोले भटूरे नहीं खाते हम भी खाते लेकिन न, क्या नो करना और वो फिर एक सिलसिला शुरू हुआ कि यार अपने हेल्थ को राइट फ्रॉम डाइट टू गेटिंग इनटू समथिंग किया सुबह उठ के दौड़ लिया साइकिल चला लिया ये सब तो बाद में आया शुरू तो हम साइकिल अपने सोसाइटी के गोल चक्कर काटने से ही किया था उठने वाला ब्रेक वॉशर ने नहीं किया था जी हां yeah? आप कैसे होता है हैं लाइक ओरिजिनल ब्रेक वॉशर ने नहीं किया <laughs> 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 ये बेबी मुसलमान <laughs> 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 बे वाला कॉम्प्लीमेंट यार मेरे को बहुत मिलता है तो मतलब ये हां लेकिन ना ये आप बात सही कह रहे हो हाँ एक जो ये मिथ है ना हाँ कि यार डायबिटीज पापा को है मम्मी को है जी तो आपके बड़े बेटे को या बेटी को तो ही हो होगा हाँ, मुझे लगता है टोटल हाँ, मिथ है क्योंकि आजकल ना और वो कह लो आप मिर्थ मतलब फोर्टी भी गए तो अभी बहुत सुनते हो पढ़ते हो देखते हो रिसेंटली स्टडिंग समवेयर उसमें बताया गया कि एक बहुत कॉमन है फैटी लिवर जो इंडिया में सेवेंटी परसेंट लोग हाँ, हाँ

एक क्योंकि हमारी जनरेशन में हम जनरली इसी बात जो हेल्थ को लेकर जो हम बात समझे थर्टी फाइव थर्टी सिक्स की एज तक आके समझे कि आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए जी भैया आने वाली जनरेशन को ना ये थर्टीन फोटीन की एज से समझना जरूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसीलिए इस बार जो मैं आ, 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 अपने परिवार के साथ अपनी मेरी बेटी है पंद्रह साल की उसको लेके गया मेरा छोटा बेटा है चार साल का उसको लेके गया और उनको वो मैंने एक्सपोजर दिया और वो दिखाया कि अगर आपके पिता चालीस साल की उम्र में ये कर सकते हैं और देर आर सो मैनी अदर पीपल हु आर बेटर दैन मी हु आर ओल्डर दैन मी और जो मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं तो वो एक हेल्थ के प्रति अवेयरनेस और आ, अपना सिर्फ ऑफिस में ही सिर्फ वो काम करना है और यू नो फॉलोइंग द पैशन जैसे हम बात कर रहे थे तो वो मेरा था कि मैं कम से कम एटलीस्ट जो मेरी इमीजिएट फैमिली है बच्चे उनको ये दिखा सकूँ उनको मोटिवेट कर सकूँ उनसे मोटिवेट ना आप इनको मोटिवेट कर रहा हो फोर्टी प्लस है ठीक <laughs> ना जहाँ फोर्टी प्लस जाते हो ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट आ जाता है जी क्या बच्चों की पढ़ाई करानी है घर की ए वाई देनी है ऑफिस का काम बहुत ज्यादा मतलब कॉमन बहाना है बहाना है यार मतलब ऑफिस का प्रेशर बहुत ज्यादा थक गया यार और क्या कर सकते हो उसके अलावा कर नहीं सकते तो हाउ यू किल दैट किलटलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है देखिए इसमें ना सबसे पहले दो चीज़ एक चीज़ जिसमें 99% परसेंट लोग मात खाते हैं और जो लोग मुझसे भी पूछते हैं कि तन में आपने किताबें कैसे लिख ली आप नौकरी करते करते किताबें लिखते हो और ये सब भी कर रहे हो जो 99% परसेंट चीज़ लोग जहां मात खाते हैं वो है कंसिस्टेंसी hmm. और आ, कंसिस्टेंसी के बाद कमिटमेंट आता है और कमिटमेंट के बाद यू नो कोचिंग और वो मेरा एक फाइव सी का फार्मूला है वो कभी बाद में बताऊंगा लेकिन कंसिस्टेंसी में सब मार खाते हैं तो यहाँ पे मैंने एक चीज बड़ा तय कर लिया था कि यार ऑफिस का काम कुछ भी हो जाए या टेंशन काम से तात्पर्य है टेंशन का कि ऑफिस का काम और टेंशन मैं शाम को साढ़े छः बजे के बाद मैं करूँगा ही नहीं अनलेस इट इज़ वेरी क्रिटिकल अनलेस इट इज़ बिजनेस क्रिटिकल या यू you नो know, कल कुछ हो जाएगा जो कि अमूमन होता नहीं है नहीं अमूमन होता नहीं है अगर मैंने आठ महीने प्रैक्टिस की तो शायद तीन या चार दफ़े ऐसा हुआ होगा कि जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था और मुझे बिल्कुल रात को आठ नौ बजे तक कॉल्स पे रहना था और बातें करनी थी तो मैं छः सात बजे वो बंद कर देता था और सुबह इन इनवेरेबली मैं करीब चार साढ़े चार बजे उठ ही जाता था और उसको उठ के आपको ऐसा नहीं है कि मुझे भी नींद नहीं मुझे नींद आती है बस्तर से निकलते वक्त मुझे भी ठंड से जब मैं रजाई से निकलता था तो मेरे को भी बेकार लगता था बट वो Uh, कि यार ये करना है hmm. और यू नो आई हैव टू डू दिस उसको uh, मतलब कंसिस्टेंसी की यार एंड द वे आई लुक डेट इट इज़ मैंने एक बड़ा मज़ार uh, वो किया जैसे हम बचपन में खेलने जाते थे राइट कि हम बड़ा खुश होते थे कि यार अब शाम के पाँच बज गए छः बज गए अब मैं खेलने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ hmm. तो मैंने वो एटीट्यूड अपनाया कि जो प्रोसेस है उसको इंजॉय करता था कि स्विमिंग करने जा रहा हूँ तो मैं सोचता रहा यार क्या स्विमिंग कर रहा हूँ यार क्या एक घंटे यार क्या बोरिंग है एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी दैट ओ वाओ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टू स्विम एंड आई वुड थैंक जब मैं अगर स्विमिंग पूल भी उतरता तो मैं स्विमिंग पूल में मुझे नो जल देवता या ऐसा कुछ करके टू ग्रेटिट्यूड करके कि थैंक यू यू आर मेकिंग मी यू आर एनेबलिंग मी टू कम एंड डू दैट तो वो जो चेंज ऑफ एटीट्यूड किया नॉट क्वेश्चनिंग योर पर्पस बींग वेरी कंसिस्टेंट एंड थैंकिंग एंड एन्जॉइंग द प्रोसेस उसको मैंने बहुत किया चाहे वो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ हम लोग गर्मी के मौसम में ट्रेन कर रहे थे हमें अगर 180 किलोमीटर साइकिल चलाने की ट्रेनिंग करना है था, हम तो हम मिनिमम 120 150 तो साइकिल चलाते थे अब 150 साइकिल चलाना यानी पाँच घंटे अब अगर पाँच घंटे मुझे साइकिल चलाना है तो गुड़गांव में दिल्ली में गर्मी के मौसम में आपको सुबह हम उठते थे तीन साढ़े तीन बजे और चार बजे हम साइकिल पर बैठ जाते थे और आठ नौ बजे तक वर्कआउट खत्म करे क्योंकि उसके बाद ट्रैफिक शुरू हो जाता है धूप बहुत बढ़ जाती है आप कर नहीं पाओगे तो ये सारा करना पड़ता था तो उस दौरान आई वुड लुक अप टू इट आई वुड इन्जॉय और वो बड़ा मज़ेदार होता था कि मैं चार बजे साइकिल चलाने जा रहा हूँ और जो यंग हैं बीस बाईस साल के लोग वो पब्स और गुड़गांव तो वैसे ही पार्टी के नाम पर और लोग उतर रहे हैं और नशे में धुत थे हैं और हमें कर रहे हैं आए इन्जॉय तब तो और बाय <laughs> मैं कह रहा हूँ यार <laughs> तो ये था सर मैंने ना प्रोसेस को इन्जॉय किया लेकिन हाँ अभी कुछ सालों से मैं भी देख रहा हूँ ब्रिलियनसी साइकिलिंग का बहुत हाँ हाँ ंग तो काफी लोग साइकिल यहाँ मिलते हैं नोएडा इस टाइप जाओ तो काफी लोग इस परल एक चीज तो क्लियर है कि अगर आपके पैशन है किसी भी चीज़ का जी हाँ तो आप किसी भी एज में फॉलो कर सकते हैं जी हाँ किसी भी चीज़ को करने के पैशन बहुत इम्पोर्टेंट जो आयरनमेंट का पूरा प्रोसेस था आपने वहाँ किया उस हाँ हाँ वही ऐसा एक मोमेंट जो आप पे मेमोरेबल रुक गया है मतलब वैसे तो पूरी रेस ऑब्वियसली मेमोरेबल हो जी बट एक ऐसा मोमेंट जो आपके लिए मेमोरेबल है और क्या कोई ऐसा मोमेंट आया था कि आपको लगा था कि बस यार अब नहीं हो रहा तो देखिए जो मेमोरेबल मोमेंट था वो तो ऑब्वियसली फिनिश लाइन था और फिनिश लाइन में अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो फिनिश लाइन में मैंने एक ये दिमाग में था कि वहाँ ना हम जहाँ कहीं भी बाहर जाते हैं ऐसा मैं ये तो नहीं बोलूँगा रिशियल ट्रीटमेंट होता है बट लोग ताजुब करते हैं अच्छा इंडिया से हो कम्पीट करोगे और ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ मुझे मजाक मजाक बोल गया वेलकम मैडम इंडिया से आए हो यहाँ पे स्वीडन गया तो लोगों ने पूछा अरे इंडिया के लोग तो इतने गोरे होते नहीं हैं आप कैसे हो तो इस तरह से ना बड़ा टॉन्ट सा मारते हैं हिंदुस्तानियों को और बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि यार तुम पैथलॉन करने हो तो वो एक कुंठा तो नहीं बोलूँगा बट एक वो एक यू नो टू गिव इट बैक टू देम एक वो रहता है तो जो लास्ट लाइन थी जो फिनिश लाइन है जो फिनिश का रेड कारपेट है जहां पे जब आप फिनिश करते हो तो आपको बोला जाता है एन मैन तो वहां मैंने बॉलीवुड स्टाइल डांस किया और वो राम लखन का जो अनिल कपूर का स्टेप है तीना दिन था वो मैंने किया और दैट वाज माय मोमेंट ऑफ ग्लोरी और वो बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था क्योंकि मैं वहाँ बैठे सारे लोगों को हिंदुस्तानी बॉलीवुड डांस और उस मस्ती एटीट्यूड के साथ अपना रेस ख़त्म करना चाहता था आई थिंक दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि आठ नौ महीने की तपस्या के बाद आप जब फिनिश कर रहे हो उतने खुशी में और बिना थके हुए थके तो थे ऑबियसली बट वैसे ही करते हो दैट वॉज़ अ मेमोरेबल मोमेंट और uh, uh, नहीं हो पाएगा करके मेरे ख्याल से दो या तीन बार आया एक बार जब मैं स्विमिंग कर रहा था और हम कुछ उस लेक में ढाई किलोमीटर अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वेव्स बहुत तेज़ जा आ जाती हैं तो जब वेव्स आई तो वो मेरी नाक में और मुंह में घुस गई तो उससे मुझे खांसी आने लगी अब स्विम करते हुए खांसी आना ये भी बड़ा वो था तो मैंने उस समय अपने आप को संभाला डूबते डूबते बचा तो चार बार ठसका लगा तो वो बड़ा एक अलग ही प्रोसेस है कि आप खांस भी रहे हो खांसो कहाँ सांस लेना है आपको तो वो एक कठिन मोमेंट था वो मैंने अपने आप को संभाला किया फिर जब मैं साइकिलिंग कर रहा था तो साइकिल में पहाड़ वहाँ बहुत सारे थे उसमें तो पहाड़ चलाते वक्त बारिश शुरू हो गई कुछ साढ़े सात घंटे मैंने साइकिल चलाई है और उसमें करीब दो घंटे बारिश हुई डेढ़ से दो घंटा पूरे गीले हो गए और जो मैं अपने साथ में सैंडविचेस और जेल्स पावर रख के पावर जेल्स लेके गया था वो तो सारे गीले हो गए थे तो उस दौरान ऐसा लगा कि यार जिसको क्या है भगवान नहीं हो सकता बट मैं ये मतलब अंदर से मान के गया था कि यार आ, मर जाऊंगा लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा मुझे तो ये पूरा करने ही करना है वेज <laughs> और आखिरी में जब हम थक जाते हैं दौड़ते वक्त तो लग रहा था कि यार मतलब बिल्कुल टूट चुके हैं बट अगेन माइंड ओवर मैटर दैट्स प्रैक्टिस ये भी लगता है ना कि मतलब इतना कर लिया तो थो थोड़ा हम बस थोड़ा सा बचा है तो फिर मैं घंटों में गिन रहा था मैंने कहा बस अब दो घंटे और दौड़ना है कर लेते हैं बारह घंटे तो हो ही गए तेरह घंटे तो हो ही गए तो वो फिर डिनोमिनेशन फिर चेंज कर दी अच्छा तो ये आप मैन कराए थी मतलब घंटे

और अगेन पैशन की पैशन की बात है और दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू एज एन एक्सपेरिमेंट वांटेड टू डू आई एम नॉट कम्पीटिंग मतलब मैं कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स तो हूँ नहीं नौकरी करता हूँ फॉर अ कंट्री ऑब्वियसली येस अगर मौका मिलेगा तो अवश्य करेंगे अब आई डोंट नो मैंने आपने ये दिया है तो हो सकता है मैं जाके चेक करूँगा कि फोर्टी फाइव वाला रेंज में भी अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं कि उसे यंगस्टर्स को अलाउ करते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता कि चेक नहीं आई शुड चेक या दैट्स अ गुड पॉइंट चेक करना चाहिए ओके okay.

अपनी चीज़ को काम को कैसे करते हैं उसके ऊपर है चाहे वो ऑफिस का काम हो कि जिस पे सबसे ज़्यादा जैसे हिंदी में बोलते हैं ना आग लगी हुई है जिस काम को वो सबसे पहले कर दो भले आप ई चेक करना या बाकी ई को रिप्लाई करना आप शाम को करिए अगले दिन भी कर सकते हैं उन पर कोई ऐसे सो तो वो प्रायोरिटाइजेशन की ऑफ़िस का काम करके जो सबसे टॉप दिन की तीन या चार बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कर लीजिए और अगर जैसे अब मैं रेड लाइन पार्ट टू लिख रहा हूँ तो वो मैं सैटरडे संडे लिखने में निकालता हूँ वो मैंने फ़िक्स किया हुआ है कि भले अगर ऑफिस क्योंकि कभी कभार थक के आते हैं उतना मूड फ्रेश नहीं होता है नहीं लिख पाते हैं तो जब भी सैटरडे संडे आई हैव डेडिकेटेड कि मैं सुबह अगर कसरत करके आ गया और एक आध घंटा सो लिया उसके बाद में पूरा दिन है मेरे पास तो मैं वो तीन चार घंटे अपना लिखने में पढ़ने में और यू you नो know, वो करने में लगाता हूँ सो तो वो प्रायोरिटाइजेशन हो गया हाँ इसमें कुछ चीज़ों को हमें मुझे जैसे क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस करना पड़ता है जैसे फैमिली टाइम yeah. uh, इनकी एक्सपेक्टेशन है अभी बच्चों की यार कहीं घुमाने ले चलो वो चलो सो बट आई थिंक आई मस्ट गिव क्रेडिट टू माय वाइफ वृंदा कि उसने शी हेड लेट मी डू ऑल माय क्रेजीनेस कि भाई तुम लिख लो तुम कर लो और यू you नो know, तुम्हें जो करना हो कर लो एंड शी विल टेक केयर ऑफ़ द किड्स एंड द फैमिली जैसे मेरे छोटे पुत्र है वो बोलेंगे मेरे साथ खेलो अब आप लिखो कि खेलो यू yeah. नो you know, तो वो एक बड़ा चैलेंज है तो आई थिंक सैटरडे संडे वो मैंने उसके लिए डेडिकेट किया हुआ है

देखिए कई लोग जो आ, आ, अपने मित्रगण जो साथ के लोग हैं कई लोग मेरे से बोलते हैं यार मैं कॉलेज में गाना बहुत गाता था मैं कॉलेज में कविताएं बहुत लिखता था या यू you नो know, मैं थिएटर करता था साहब या मेरे को खाना बनाने का बड़ा शौक़ है जहाँ पे लोग आके कंफ्यूज हो जाते हैं वो पैशन को पैसे से कनेक्ट करना लग जाते हैं कि कोई भी चीज़ करोगे तो पैसे कितने मिले किताब लिख ली कितनी कॉपी बिक गई कितनी रॉयल्टी मिल गई तुमको तो बहुत रॉयल्टी मिलती होगी <laughs> तो जब पैशन को आप पैसे के साथ तोलने लग जाते हो ना वहाँ आप एक स्पिरिचुअल माइंडसेट को या माइंडफुलनेस को आप मटेरियल माइंडसेट के साथ में जोड़ रहे हो वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग तो अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे हमारे मित्र हैं वो गिटार बड़ा अच्छा बजाते हैं तो वह बोलता है यार ओ स्टॉपिंग यू टू ओपन अ कैमरा स्टार एं, एं स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड स्टार्ट आ, नहीं है, मैं बता रहा, रहा। मतलब यूट्यूब के लिए नहीं तो लोग ना अच्छा मैं देखा तुम्हारे टेन मिलियन व्यूज हो गए कितने पैसे आ रहे हैं हाँ तो वही वही जैसे आप वो अगेन क्वालिटेटिव माइंडसेट को आपने क्वांटिटेटिव माइंडसेट में बना दिया वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है लोग बोलते हैं यार क्या मतलब क्या फालतू कुछ मिल तो रहा नहीं है पैसे तो मिल नहीं रहे है, क्या है सो so, सो uh, so, किसी भी हॉबी तो अब जैसे प्राइम वीडियो देखना मेरी भी हॉबी है लेकिन अब उसको <laughs> पैशन नहीं तो वो पैशन नहीं हो सकता ना साहब तो पैशन को आप इस तरह से करिए और एक, एक 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 उसको रूप दीजिए एक सो दैट यू नो पीपल यू कैन इंस्पायर पीपल मैं तो जैसे मेरी आयरन मैन की जो फिनिश है कंप्लीशन है ये तो मैं डेडिकेट करता हूँ हमारे सारे कॉर्पोरेट मित्रों को जो 40 को पार हैं या नहीं भी हैं पहुंचने वाले हैं पैंतीस चालीस पे कि भाई आप अगर मैं कर सकता हूं एक नौकरी करते हुए मल्टीनेशनल कंपनी में और ये सब तो सभी लोग कर सकते हैं मैंने तो ऐसा ये तो और ऐसा कुछ डाइट में भी मैंने बड़ा भारी नहीं किया कि मैं कोई आ, बड़ा क्वेश्चन पर आने वाला जी आयरन मैन करने के लिए ऑबियसली मतलब आयरन मैन क्या मतलब अगर आपको फिजिकली फिट होट कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट हाँ

क्या मतलब आपने वन करने के लिए क्या किया और क्या फोर्टी प्लस टी इतना करना जरूरी है सो अगर मैं आपके सवाल को दो तीन भागों में मैं जवाब दूंगा पहला कि जनरली जो हम गलती करते हैं वो डाइट में क्या खाना चाहिए नहीं क्या छोड़ना चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अब क्या छोड़ना चाहिए उस पर मैं आऊँगा दूसरा कार्तिक आर्यन साहब की बात किया जाए उनका जो मीडियम है उनका अस्थेटिक मीडियम विजुअल मीडियम है तो उन्हें अपनी यू you नो know, फिजिक।, फिजिक के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा कि फ़ैट करो तो शुगर छोड़ दो चावल छोड़ दो ये छोड़ दो ये सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पे विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी नॉर्मल पर्सन वहाँ हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि मैं एक फाइनेंस मैनेजर हूँ या मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ मैं एक्टर नहीं हूँ <laughs> कि मुझे बॉडी ठीक है मुझे स्वस्थ रहना है बट उतना फिजिकल सुंदर नहीं क्योंकि उनकी नौकरी है सुंदर दिखना और तीसरी पार्ट जो थी कि आयरन मैन करने के लिए मैंने क्या क्या किया मैंने जो डाइट्स में रखा था वो यूजली था कि क्या नहीं खाना है क्योंकि अगर सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ ज़्यादा अपन कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे कि फूड इज मैंने फूड को एनर्जी के रूप में देखना शुरू किया फूड से स्वाद को मैंने थोड़े दिन के लिए किनारे कर दिया कि जो खाना है वो स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए वो पौष्टिक होना चाहिए तो वो पौष्टिक Uh, के ऊपर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया कि क्या पौष्टिक हो सकते हैं मैं uh, बहुत ज़्यादा नॉनवेज नहीं खा सकता मटन वटन नहीं खाता तो मैंने चिकन बहुत ही घर पे बनता नहीं है तो बाहर कहीं के बाहर का भी चिकन जनरली नॉट हेल्दी hmm. तो आई वुड जनरली ईट प्रोटीन्स टू बिल्ड मसल बिकॉज वन यू रन एंड यू डू यू लूज़ अ लॉट ऑफ मसल तो ये जो नॉर्मल दाल अपने चने और जो घरेलू मतलब वेजिटेरियन वाले प्रोटीन्स हैं तो वो प्रोटीन ज़्यादा खाता था और तली चीज़ें और जो ये स्वादिष्ट वाली चीज़ें हैं जैसे चाट और ये जो हो गया अपना इनको छोड़ता था मैदा को क्योंकि फूड जितना ज़्यादा जितना जो भी फूड आपको जितनी ज़्यादा एनर्जी दे सके वो वाला खाना हम लोग जनरली खाते थे और हमारा अमूमन तौर पे जो खाना वो कैसे बनाया गया इस पर भी आप एक पॉडकास्ट कर सकते हो कि हमारा जो जितना भी खाना बनाया गया ना दाल चावल रोटी सब्जी ये सब सोने के लिए बनाया गया कि खाओ तुमको नींद आ जाए इंसान जगा हुआ सोसाइटी को नहीं चाहिए इंसान सोता हुआ चाहिए सोसाइटी को तो ये सारे खाने जो है ना स्वादिष्ट बना के आपको और जब आप खेल कूद करोगे तो आपको थोड़ा यू नो you know, अटेंटिव होना है तो ये सारी चीज़ें खाता था प्रोटीन ज़्यादा खाता था कार्ब हम ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा मैंने एस्थेटिक्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आ, हमारा काम एस्थेटिक्स का नहीं है मेरा 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 एम था फिनिश करना है तो आई शुड बी हेल्दी इनफ आई शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ़ टू फिनिश इट और मैं ऐसा नहीं कि उसके बाद स्ट्रेचर पे मेरे को ले जाया जाए कि भाई ख़त्म हो गया बिल्कुल मैं तो नाचते हुए ख़त्म किया राम लखन का कर स्टेप करते हुए तो भी नहीं गए <laughs> तो आ, मैं ये सब रोटी ऐसा नहीं कि छोड़ दिया था बट जनरली एक नॉर्मल करता था कि अगर सुबह रोटी खा रहा हूँ तो शाम को चावल रोटी चावल यार हम तो मिडिल क्लास लोग हैं तो अपन को यही पसंद है यही घर में बनता है कोई अलग से कुक वूक नहीं था या मैंने कोई डाइटिशन हायर नहीं किया कि साहब वही आएगा खाना वो एक अलग ही घर में क्लेश हो जाता है कि भाई साहब ये तुम्हारा नया शुरू हो गया अब तो <laughs> मैंने ये सारी चीजें जो बाहर का खाना है वो घर का खाना खाया संतुलन में खाया चने और अपना ये ये सब किया। मतलब मैं था कि जो इंडियन हाँ। best, जो इंडियन फूड है। बर्गर जो आज कल बहुत ज्यादा मतलब I think कोई भी चीज हो जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा हो हाँ। वो नहीं खाना चाहिए

इन कमिंग डेज रेंज कम हो रही है किल्लत तो आने वाले समय में वीट हो गाने राइसाना हो टफ होगा करेक्ट बट मिलेट्स उगाना हो इजी होगा और वीट की भी जो पॉलिसीज बनी हुई है कि भाई हम इस दाम पे खरीद ही लेंगे आप जितना भी बनाओगे जैसा ही बनाओगे बनाओ तो वो भी है एक... इंडिया में मिले का प्रोडक्शन बहुत है तो अगर वर्ल्ड मिलेट्स होता है तो इंडिया को आगे इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट है बिकॉज इंडिया विल बी द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सबसे तो पहले जरूरी है कि फूड तो तो सबको बोलता हूँ हाँ। वीट आप खा रहे हो आपको बस स्वाद आता है, नतिंग है। नतिंग। और, शुगर। बस। नहीं। और वो चाहे कमिंग बैक टू आयरन मैन या दौड़ भाग वो बिल्कुल हेल्प नहीं करता बिल्कुल नहीं करता क्योंकि उससे आपको लथर्जी ही आती है और वो यही होता है तो हम तो ये केला और यही सब खाते थे मैक्सिमम टाइम मिलिट्स खाने से तो आपका भी ठीक हो जाता है <laughs> तो शुगर है ट्रू, 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 ट्रू। और टेस्ट पे एक बड़ा मजेदार चीज है मतलब मुझे जो मेरी सेल्फ लर्निंग रही है मेरे मामा जी हैं राजेश तिवारी जी जबलपुर में ही इज रिटायर्ड एज एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तो मैं शायद आठ या दस साल का था और उस समय मैं दूध को पीते थे हम तो बड़ा मैं स्पेसिफिक था कि इसमें दूध में ये बास आ रही है बॉनविटा डालिए ये वो ऐसा वैसा तो उस दिन उन्होंने एक मुझसे बड़ी मज़ेदार लाइन की बोले बेटा जीवन में हर खाने का स्वाद होता है जिस दिन तुम्हें उसका स्वाद के अनुसार तुम अपने आप को डाल लोगे फिर तुम्हें कभी एक पर्टिकुलर स्वाद के पीछे भागना नहीं पड़ेगा कि यार मेरे को ऐसा नहीं जम रहा तो आई थिंक दैट लाइन फॉर मी वॉज वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल बिकॉज उसके बाद मेरा स्वाद जीवन खाने के स्वाद के प्रति पर्सपेक्टिव चेंज हो गया अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम था मतलब क्योंकि आप जैसे आप जब मुझे आप वो बता रहे थे ना कि आप स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया में लोग कहते हैं इंडिया से आए हो हुँ. तो अब एक चीज़ नोट करना इंडियंस आज के मेनली हमारी जनरेशन से पहले तक तो बहुत कॉमन था कि हर फोर्टी प्लस की बड़ी सी तो फिक्स था अब ये मतलब अब तो पुलिस वाले भी आप देखो तो फिट देख फिट देख पहले पुलिस वाले भी बिल्कुल इसकी वजह ना मैंने एक छोटा सा नोटिस किया क्योंकि हमारी कंपनी जनरली फॉरेन से काफी लोग आते हैं तो इसकी जो फॉरेनर्स है ना दे विद ईट होल्ड इट हाँ बट दे कीप अ काउंट ऑफ कि आप कितनी कैलोरी क्या खा रहे हैं हाँ दे विल बर्न इक्वल करेक्ट हम क्या करते हैं नंबर्स खाते थे और बर्न करने के नाम पे कुछ नहीं करते हाँ इज द फर्स्ट एंड द बेसिक थिंग बिल्कुल और जो हमने जो

इस पे भी एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था इन जनरल दी 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 आवाम जो थी हमारी वो उतना वेल टू डू नहीं थी तो जैसे ही 1950 60 के आसपास हमारे आपके पिताजी लोग नौकरियां करनी शुरू की थोड़े से और पैसे आने शुरू हो गए तो वहाँ एक इंडलिजेंस का यू नो वो शुरू हुआ क्योंकि उनसे पहले की जो पुछते थी शायद हाँ वो पूछते थे शायद उनको उतना खाना शायद नहीं मिला परिवार कुछ इक्के दुक्के रहे होंगे जमींदार थे उन लोगों को मिल गए अमूमन तौर पे लोग जनरली उतने वेल टू डू नहीं थे सो so, जैसे ही साठ सत्तर अस्सी के दशक में हमारे पास और पैसे आना शुरू हुआ तो वो एक पूरी की पूरी जो जनरेशन थी वो इंटेलिजेंस में आ गई कि खाओ 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 ये भी खा लो ये भी खा लो पैसा कमाओ एंड ऑल दैट शायद हमारे लेवल तक आते आते कि अब हम लोग वी हैव सीन अ सर्टन लेवल ऑफ ऑफ

पर आज से कर आप साल पहले की बात देखो सारे के होते था। था। में ही खाते थे करेक्ट हाँ। so या हमारे इंडिया में ऑलरेडी सरसों का तेल तेल का तेल यूज होता था हाँ। वो इंटेलिजेंस के कारण थे। था और था refined. Refined. वो आधी आधी लोगों को तो उसने करवाया तो <laughs> <laughs> और उसके भी ये ये इंटेलिजेंस भी पीछे बाजार से कनेक्टेड होती है और इकोनॉमिकल फोर्सेस होती हैं कि अगर आज आज मतलब पेप्सी या कोक जैसा कोई बड़ा नाम है और वो सप्लाई चेन फिर वहाँ आ जाता है नो मैथ्स आ जाती है कि वो बना ही इतनी ज़्यादा चीज़ें रहा है और वो लोगों को दे रहा है तो आप यू uh, नो you know, आपको लगेगा कि शायद ऐसा किट की कोल्ड ड्रिंक तो इज़ 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 अ वेरी नॉर्मल थिंग टू ड्रिंक यू नो तो पीना ही चाहिए ये तो खाना ही चाहिए कहीं ऐसी चीज़ हो गई है मतलब मुझे याद है शायद आज से पंद्रह साल पहले मुझे पता चला था

that that impej he golbeez the feels बिल्कुल kadan it's a beautiful session bahut uh, informative session lang and ji ha congratulations again thank on you very uh, two times the iron man title title ji ha is feel i feel proud main ab to isliye bata raha hu proud because आपकी वो न्यूज ना मेरे स्कूल के ग्रुप में आई जी हाँ टॉकिंग मतलब बहुत देर तक सेशन चलता रहा हाँ। इंडिया में किसी ने आयरन मैन फिनिश किया ही वो तो आई रीडिंग ऑल दोस्त हाँ हाँ फोटो हमारे साथ ही फोटो भेजने वालोंगा बिल्कुल चलिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शो थैंक यूडिंग बोलना चाहते हैं यार ऑडियंस से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आ, कभी भी अपने सपनों को आ, दूसरों की नज़रों से मत देखिए और कभी भी अपनी सक्सेस को या अपने जो भी आपके अरमान हैं जो भी आपके पैशन हैं चाहे आप गाना गाते हो खाना बनाते हो आ, या यू नो गिटार बजाते हो या किसी भी तरह का ऐसा कोई डांस करते हो सो डोंट एवर थिंक यार लोग क्या बोलेंगे और एक्सटर्नल वैलिडेशन पे मत जाइए कि यार मैं इसको फेसबुक पे डालूंगा यूट्यूब पे डालूंगा तो लोग क्या कहेंगे आप अपने खुशी के लिए करिए थिंक फ्रॉम थिंक दैट यू नो वॉट वॉट दैट वॉट वाट विल हेल्प यू और अदर आई वुड से हाउट डूइंग दैट एक्टिविटी विल हेल्प यू ग्रो फर्दर इन लाइफ और कैसे आपको एक्सप्रेस करने में आपकी पर्सनैलिटी को हेल्प करेगी सो आई थिंक दैट दैट्स वॉट माई मैसेज टू पीपल आर पीपल इज़ कि आप आ, बिल्कुल आ, अपने सपनों को अपने पैशन को जिए और बिल्कुल मत डरे और बिल्कुल के आप जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए और यूनिवर्स आपको ये बड़ी कॉमन लाइन है बट एक्चुअली में मैंने देखा है कायनात आपको सपोर्ट करेगी थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक फॉर कॉलिंग